हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्रिप्लॉन। और आज हम लोग पहुंच चुके हैं जवाई बांध। सो यहां का जो मेन अट्रैक्शन है वो है लेपर्ड सफारी। और अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सेना, जहां से कि हमारी सफारी स्टार्ट होने वाली है। और हमारी जीप आ चुकी है, हमारे साथ राजेश्वरी जी है जो हमको आज सफारी करवाएंगे। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमें क्या दिखता है। सो राजेश्वरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, आई होप अभी अपन सफारी स्टार्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी संख्या में लेपर्ड्स दिखने को मिल सकते हैं। और लेपर्ड के अलावा जो यहाँ पे की जो राइड है वो बहुत ही शानदार है, हिल राइड होगी और बिल्कुल 90 डिग्री पहाड़ पे गाड़ी जाएगी। उसके अलावा आपको बहुत अच्छे यहाँ के व्यूज़ देखने को मिलेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं हिल को ऊपर, मतलब टॉप पे हिल के आ चुके हैं। और सर से पूछते हैं, सर का एक्सपीरियंस कैसा था हिल पे आने का? तो सर बताइए कैसा था? ऐसा लग रहा है कि सफारी हमारी मतलब बहुत ही अच्छे जाने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही हमने हिल पे बहुत ही अच्छी वाली चढ़ाई की, जो कि मतलब वैसे अगर नॉर्मल अगर हम लोग व्हीकल लेके आएंगे तो बहुत ही डिफ़िकल्ट है। राजेश्वरी जी ने काफ़ी अच्छी गाड़ी चलाई और हम लोग अभी हिल के ऊपर से बांध का व्यू का आनंद ले रहे हैं। मैम से भी बात कर लेते हैं। मतलब अभी यहाँ पे जो हिल पे चढ़े तो यहाँ के मेरा कहना यही है कि जो भी पर्यटक आएगा उनको जवाई में ऐसी सफारी जो है वो कहीं पे भी नहीं मिलेगी पूरे एशिया में। अच्छा, तो हिल राइड करना और जैसे 90 डिग्री रॉक पे चढ़ना तो काम नहीं है। वहाँ पे आपको जिप्सी 4x4 जिप्सी चढ़ेगी और उसका एक आप आनंद लेंगे, उसका अलग ही मजा है जी। तो सभी गेस्ट को, पर्यटक को यहाँ पर आके जो है आके इस राइड का मजा लेना चाहिए, आनंद उठाना चाहिए। मैम, ये इतने सारे बंदर क्यों बैठे हैं यहाँ पे? अभी खबर आई थी कि यहाँ पे मंकी कॉल हो रहा था। अच्छा, और तो हो सकता है इसके आसपास कहीं पे आपको लेपर्ड दिखने को मिल जाए। अभी मैं वही सर्च कर रही थी कि कहीं कोई मूवमेंट दिख जाए, बट अभी मंकी की पोजीशन देखे तो वो नॉर्मली बैठे है और अपने खाना खाने में बिजी है। अच्छा अच्छा, इसका मतलब अभी मूवमेंट यहाँ तो चला गया लेपर्ड यहाँ से, कि इनका खाने में व्यस्त है और इनको देख के लग नहीं रहा है कि आसपास लेपर्ड होगा, क्योंकि अगर लेपर्ड होता है तो इनका कॉलिंग स्टार्ट होता। तो यहाँ तो नहीं, अब चले आगे अपन। बस अभी यहाँ से आगे चलते हैं। अच्छा, पहाड़ के जो ये नाग टेम्पल है। हाँ हाँ,
इसको नागिरी बोलते हैं, अच्छा पहाड़ी। अच्छा तो इसके बैक साइड में अपन चलते हैं, हो सकता है वहाँ पर अपन को लेपर्ड मिल जाए, जो यहाँ की जो फेमस लेपर्ड है जीवदा, उसके 2 cubs। अच्छा। क्योंकि मॉर्निंग में इधर ही कॉलिंग थी, मंकी कॉलिंग, हो सकता है इसी पहाड़ी के ऊपर बैक साइड में अपन को लेपर्ड मिलेगा। गाइस अभी हम लोग फर्स्ट वाली हिल पर गए थे जहाँ पर एक टेंपल था, और वहाँ से पूरे गांव का व्यू दिखता है बहुत ही अच्छा, और डैम का जो पानी होता है सामने वो भी बहुत अच्छा दिखता है। और अभी हम लोग है सेकंड हिल पे, और यहाँ भी डैम का व्यू दिख रहा है बहुत अच्छे से, और अभी हम लोग उसको सर्च कर रहे हैं, लेपर्ड को सर्च कर रहे हैं। अभी तक तो ऐसा हमें लग नहीं रहा, कोई कॉल आई नहीं है, बट स्टिल वी आर वेटिंग कि हमें कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिले कि कहीं पर साइटिंग हो रही है। तो अगर हमें दिखेगा तो हम लोग आपको जरूर दिखाएंगे, और दिखेगा ही दिखेगा वैसे यहाँ। हाँ, मतलब हमारी ट्राई पूरी है, कोशिश पूरी है, और राजेश्वरी जी भी पूरा ट्राई कर रहे हैं कि हमें लेपर्ड दिखे आज। और अगर लेपर्ड नहीं भी दिखता है तो अभी इट्स नॉट एन इश्यू, बट यहाँ का जो सैनिक ब्यूटी है वो तो हम लोग आपको दिखा ही रहे हैं। मतलब आप कभी आओगे तो आपको बहुत हेल्पफुल होगा हमारी वीडियो देखते हुए कि मतलब यहाँ पे क्या क्या होता है और क्या नहीं होता है। और सनसेट के लिए तो ये बहुत ही अच्छी जगह है, आप इन हिल्स पे जरूर चढ़िए और यहाँ से सनसेट का जो व्यू आता है उसका आनंद जरूर लीजिए। गाइस है ना, अपन मतलब जहाँ तक मैं मानता हूँ कि कैमरा मतलब इतना वो नहीं दिखा सकता जो अपन नहीं आँखें रियल में देख सकती है। मतलब गाइस आप यहाँ पे आओगे और अपने आँखों से रियल में देखोगे तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, और जितना हो सकता है उतना तो हम कैमरे से दिखा ही रहे हैं आपको। हम लोग ट्राई कर रहे हैं, हमारी तरफ से बेस्ट ट्राई कर रहे हैं, हम अपना बेस्ट दे रहे हैं 100%। तो बने रहो इस वीडियो में, अब चलते अपन आगे और ढूंढते हैं हमारे, कंटिन्यू करते हैं अपनी सफारी और देखते हैं हमें आगे और क्या क्या दिखता है। सो हम लोग ट्राई करते हैं कि कुछ नेचुरल सीन्स हमें मिले, तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। जैसा कि आप
आप लोग देख सकते हैं अभी हमको लेपर्ड दिख चुका है और लेपर्ड भी है हमारे सामने उधर ऊपर की ओर और हम शूट कर रहे हैं पी 1000 से। हाँ वीडियो आ गई मिल गया उसको वीडियो भी मिल गया फोटो भी मिल गया। मैम ने बहुत स्ट्रगल किया हमको लेपर्ड दिखाने में। मैम आप कुछ कहते हो लेपर्ड के बारे में कौन था? ये यहाँ की जो फीमेल लेपर्ड है जीवदा नाम है वो थी और उसके दो कब भी हैं। यहाँ पे काफी लाउड है गैस जो टूर चल बच्चे काफी चिल्ला रहे तो वो पहाड़ी के पीछे कैक्टस के पीछे छुप गया है। अपन वेट करते हैं हो सकता है वापस बाहर आ जाए। जैसा कि आप लोगों ने लेपर्ड देख ही लिया होगा हमारी वीडियो में और ये सब किया हमारी मैम ने राजेश्वरी मैम और ये यहाँ पे जवाई में लेपर्ड सवारी करवाते हैं। तो इनका मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर और एंड सारी जो भी डिटेल है इनकी वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आपका कभी जवाई यहाँ आना हो तो मैम के साथ, हमारा तो यही कहना है कि मैम के साथ ही घूमो एक बार सफारी में तो बहुत ही अच्छा लगा हमको भी घूम के। तो मैम आपको बहुत बहुत ही धन्यवाद दिल से और मैम आप कुछ बोलना चाहोगे? मेरा यही कहना है कि आपको अगर यहाँ की जवाई में आपको जिंदगी में लाइफ में एक बार सफारी तो जरूर करनी चाहिए। यहाँ की सफारी जो है ऑफ रोड है वो अल्टीमेट है। उसके अलावा आपको लेपर्ड साइटिंग पूरे एशिया में जवाई से अच्छा कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ गाइस, एक सबसे बढ़िया बात मैम की एक गारंटी है कि आप इनके साथ आए तो लेपर्ड आपको 100% दिखेगा ही दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा लगा। तो ओके गाइस, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।